नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता कैसे बने। हाल ही में पिछली भर्ती के कुछ रिजल्ट जारी हुए हैं तो बहुत से मित्रों ने कमेंट किया और कहा कि सर इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दीजिए कि राजकीय इंटर कॉलेजों में यानी GIC लेक्चरर में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या शैक्षिकता मांगी जाती है, परीक्षा पैटर्न एवं चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, आप लोगों की मांग पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। बस आपसे एक गुजारिश ये कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि बिना पूरा वीडियो देखे आप लोग क्वेश्चन कर देते हैं, फिर बाद में सबका जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारी ये गारंटी है कि पूरे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस भर्ती की काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं आने वाले टाइम पर, तो सारी अपडेट आपको ऐड की जाएगी। तो आप लोग चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पिछली भर्ती का जो आई थी 2016 और 2017 में, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी इसी नोटिफिकेशन से देंगे जो कि 100% ऑथेंटिक है, ठीक है। ये अगर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कि राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती कौन कराता है, कौन सा आयोग कराता था। जो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस छात्र हैं, पुराने छात्र हैं, वो जानते हैं कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में भर्ती करवाता है, UPSC के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि किन किन पदों पर भर्ती होती है। तो पिछले नोटिफिकेशन में जो जो पद आए थे वो यहाँ पर देख लीजिए कि हिंदी के पद थे, इंग्लिश के पद थे, उर्दू, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, पर्शियन, सोशोलॉजी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लॉजिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, ये सारे विषय होते हैं, इन्हीं पर भर्तियां होती हैं। मोस्टली जो भी इंटर कॉलेजों में विषय चलते हैं सभी पर भर्तियाँ होती हैं। पिछली भर्ती में 210 पद थे जो कि बहुत ही कम पद थे। इस बार पदों की संख्या करीब करीब 2000 के ऊपर आने वाली है, ठीक है। मैं इसका भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि 2000 पद में क्यों कह रहा हूं। तो अच्छा चांस है कुछ ही टाइम पर भर्तियां आएंगी। मैं एग्जैक्ट डेट तो अभी आपको नहीं बता पाऊंगा कि कब तक आएंगी, लेकिन तैयारी चल रही है, भर्तियाँ आपको देखने को जल्द ही मिलेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यह मांगा जाता है कि आपके पास जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सिविक्स, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन सब के लिए आप इन विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका PG होना चाहिए। एक बात बता दें, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं मांगी जाती है कि 50% होना चाहिए कि 55% होना चाहिए, ओनली पास है, भले 33% ही है, 40% है, 60% है, 80% है, यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये मांगा जाता है। और हिंदी के लिए कुछ अलग से यहाँ पर बताया गया है कि क्या लगेगा। तो हिंदी के लिए देख लीजिए क्या लगेगा, फॉर हिंदी ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी एंड बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स विथ संस्कृत और सर्टिफिकेट ऑफ शास्त्री एग्जामिनेशन ऑफ शास्त्री यूनिवर्सिटी वाराणसी, यानी आप हिंदी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं हिंदी विषय के लिए तो आपका PG हिंदी से होना चाहिए और बैचलर डिग्री यानी BA में आपका इसके साथ आपका संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान कीजिएगा, जिसके पास संस्कृत नहीं है उसके पास शास्त्री एग्जामिनेशन की डिग्री या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी या बॉटनी से आपने अगर किया हुआ है PG तो बायोलॉजी पद के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। वहाँ की कॉमर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो लोग कॉमर्स के प्रवक्ता बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए कॉमर्स विषय के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब बात कर लेते हैं अन्य जो इसमें चीज़ें होती हैं उसके बारे में।
तो यहाँ पर दूसरा होता है, एक होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंशियल का दोस्तों मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, एक तरीके से वेटेज दिया जाएगा। मान लीजिए आप, तो प्रेफरेंशियल में लिखा है अगर आपके पास LT डिप्लोमा है फ्रॉम ए गवर्नमेंट और रिकग्नाइज ट्रेनिंग कॉलेज और बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन, बैचलर मतलब बैचलर डिग्री एजुकेशन में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास LT का डिप्लोमा है या फिर BEd की डिग्री है तो आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन BEd कंपलसरी नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। और LT है तो अच्छी बात है, BEd है तो अच्छी बात है, वरीयता मिलेगी, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या वरीयता मिलेगी, तो यहाँ पर लिखा है अगर B सर्टिफिकेट है आप NCC का तो भी आपको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर और लिखा है कि अगर टेरिटोरियल आर्मी में आपने मिनिमम 2 साल की सेवा की है तब भी आपको वरीयता मिलेगी। ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी यही है सिर्फ PG। अगर आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर या शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख लीजिए क्या मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आर ए क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाई गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट, यानी आपके पास अगर BPED है MPED है तो आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और काफ़ी सारे पद हैं तो इसको आप लोग नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगर आयु सीमा की, दोस्तों 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आप लोगों को आयु सीमा इसमें अलाउ है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे UPSC की अन्य भर्तियों में मिलता है वैसे इसमें भी आपको मिलेगा। अगर वेतनमान की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रेड पे 4800 की नौकरी है, जो TGT PGT होता है उसमें PGT का ग्रेड पे और यहाँ पर प्रवक्ता दोनों सेम ही होता है, तो ग्रेड पे दोनों का सेम है, 4800 ग्रेड पे यहाँ पर भी आपको मिलेगा। पे स्केल है 9300 से लेकर के 34800, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ UP के ही आवेदन करें, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट को कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, जनरल में ट्रीट किया जाए। अब दोस्तों ये प्रूफ देख लीजिए आप, जो मैं बता रहा था करीब 2000 पद आने वाले हैं, तो ये कुछ दिन पहले का ही न्यूज़पेपर की कटिंग है, और यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा रिक्त पदों का प्रस्ताव। कितने पद प्रवक्ता के खाली हैं तो वो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि इसी तरीके से प्रदेश के 363 GIC में प्रवक्ता के 1376 पद खाली हैं, ठीक है। प्रवक्ता के 1376 पद बॉयज GIC में खाली हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, और GGIC यानी जो गर्ल्स के इंटर कॉलेज होते हैं उनको GGIC बोलते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 753 पद खाली हैं। तो इतने ये पद इतने पद कुल मिलाकर के 2000 से ज़्यादा पद होते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि उपमुख इन पदों पर जो भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव भेज दिया गया है, रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती की तैयारी की जाएगी। तो भर्ती आने में फिलहाल अभी टाइम लगेगा, आपको 2020 के अंत तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, 2021 भी हो सकता है, लेकिन ये भर्ती आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं लोक सेवा आयोग का है। तो दोस्तों जो पिछला एग्जाम हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिए कि पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें जो एक लिखित परीक्षा हुई थी, यानी इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सामान्य अध्ययन का, MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 30 होती है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 30 अंक होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें सेक्शन होता है आपके विषय का, जिस विषय के लिए आपने फॉर्म भरा, जैसे हिंदी के लिए भरा तो हिंदी के संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, ये भी MCQs बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, 120 प्रश्न ये होंगे आपके, 120 अंक का होगा, नहीं एक क्वेश्चन 101 नंबर का होगा। कहने का मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं लिखित परीक्षा में, 30 प्रश्न GS के, 30 प्रश्न सब्जेक्ट, जैसे LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था सेम उसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो समय होता है आपका 2 घंटे होता है, पूर्णांक 150 नंबर होता है, तो ये आपका लिखित परीक्षा
का पैटर्न हो गया। अगर बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए जो UPSC का सिलेबस है वही चीज़ यहाँ पर भी है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहला टॉपिक, ये इसके अंदर सब टॉपिक हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये आगे सब टॉपिक दिए गए हैं। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे, ये तीसरा सेक्शन हो गया। चौथे में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। पाँचवें में हो गया आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। छठे में हो गया भारतीय कृषि। सातवें में हो गया सामान्य विज्ञान। आठवें में प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं सिलेबस में। तो इसका जो लेवल होता है दोस्तों थोड़ा सा हार्ड होता है, LT ग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस मतलब डिफिकल्टी लेवल होगा, लेकिन तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों। ये रिटर्न एग्जाम हो गया, इसके बाद इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी हो गई राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिले। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें हमारा व्हाट्सअप का प्रीमियम ग्रुप है, अगर बिल्कुल आपको तुरंत हेल्प चाहिए, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो हमारे प्रीमियम व्हाट्सअप सर्विस को आप लोग यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।